नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, मैं भी एक नया प्लांट लेके आई थी जो कि आपको वीडियो के टाइटल में पता लग ही गया होगा, जिसको कि फर्न बोलते हैं और एग्जैक्टली उसका नाम है बोस्टन फर्न। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है पूरा फर्न के ऊपर रहेगा। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे भी उसको रिपोर्ट करना है, कैसे अगर आप एक फर्न का प्लांट लाते हैं तो उसको कैसे डिवाइड करना है और प्लांट्स में, या आपके पास लगा भी हुआ है तो भी आप उसके एक से ज़्यादा प्लांट कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारे डेकोरेटिव प्लांटर होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत सुंदर प्लांट है ये, क्योंकि इसकी खूबसूरती ही इसकी पत्तियों से है, इसके फोलियज से है। और बहुत अच्छा प्लांट है और हमेशा रहने वाला प्लांट है ये। तो ये है दोस्तों फर्न, और इसको मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाऊंगी, लगा के भी दिखाऊंगी आपने कैसे लगाना है, और जितनी भी बातें मुझे इसके बारे में ध्यान आती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये है दोस्तों फर्न की एक वैरायटी, और ये समझ लो कि फर्न की कोई भी वैरायटी होगी ना, वो ये समझ लो कि बड़े मॉइस्ट से एरिए से आती है वो, या तो तालाब के आसपास होती हैं ये, या पहाड़ी एरियों में जहाँ पे बरसात होती रहती है वहाँ पे फर्न उगती है। लेकिन दोस्तों, इसको ह्यूमिडिटी, ठंडक ये तो पसंद है, लेकिन पानी का रुकना भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही हम अपना प्लांटर तैयार करेंगे। हमने तो इसको आर्टिफिशियली उगाना है ना, इसकी सुंदरता को देखते हुए। तो ये चलो मैं दो प्लांटर में आपको लगा के दिखाती हूँ, इसको डिवाइड भी कर दूंगी और इन दोनों प्लांटर के लिए भी एक सुंदर सा प्लांट तैयार हो जाएगा। सबसे पीछे नीचे, जैसा कि मैंने बोला आपको कि इसको मॉइस्चर पसंद है, तो हम ऐसा कोई क्लोथ लगा देते हैं इस ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, जिससे कि मिट्टी भी हमारी नीचे निकल के ना जाए और एक मॉइस्चर से वाला एनवायरनमेंट भी इसके लिए रहे। अगर आपका बड़ा पोट है तो आप बड़ा वाला क्लोथ ले लें, क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे से तो पोट्स हैं, तो इनके लिए मुझे इतना ही ठीक लगा। अगर आप बड़े वाले गमले में लगा रहे हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं, बड़े वाले जो हांडी टाइप आते हैं ना सिरेमिक के पोट्स, उसमें भी बहुत अच्छा चलता है ये, तो वो आप देख लेना। तो ये मैंने मिट्टी ले ली है थोड़ी सी, इतनी ज़रूरत है क्योंकि छोटे छोटे से तो प्लांटर हैं ये, और कुछ मिट्टी उसके साथ भी है, प्लांट के साथ भी थोड़ी सी मैं ले आई हूँ, कम रहेगी तो फिर मैं और देख लूँगी। तो करते हैं इसको डिवाइड, आप वीडियो बस देखते जाओ और इसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते जाओ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कि मॉइस्चर वाला माहौल हो। इसको ब्राइट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको डेकोरेटिव प्लांटर में लगा रही हूँ, ताकि जो मेरा एक स्टैंड है ना साइड में रखा रहता है, जिसमें कि मैं इम्पार्शियल सनलाइट वाले प्लांट रखती हूँ, वहीं पर मैं इसको रख दूंगी। वहाँ पे एकदम से डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, हाँ दिन की रोशनी इसको पसंद है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। तो इस प्लांट को आप, अगर आपके घर में अंदर विंडो वगैरह है और हवा की क्रॉसिंग होती है, वहां पे भी आप इसको रख सकते हो। तो ये देखो, निकालते हैं, इसकी सारी रूट बाउंड हो चुकी है, वो भी हमें खोलनी पड़ेगी। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके घर में लगा हुआ है उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये दोस्तों ऐसा प्लांट है कि ये समझ लो, क्या कहूँ इसके बारे में, ये इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता और भाई थोड़ी सी केयर भी मांगता है, बहुत से लोगों का ही ख़राब भी हो जाता है। वो इसलिए होता है कि या तो अपनी इसकी बहुत ज़्यादा फुली ड्रेनेज वाली मिट्टी बना रखी है, क्योंकि दोस्तों इसको, जैसा कि आप इसमें लगे हुए देख रहे हो ना, ज़्यादातर इसमें ना कंपोस्ट वाला सा मटेरियल है ना, जैसा कि पहाड़ों में होता है ना, काली सी मिट्टी होती है और पत्तियाँ गिरती रहती हैं, है ना, तो इस तरीके से का इसको सोयल मिक्सचर पसंद है। अगर शुरुआत में यहाँ पे ऐसा सोयल मिक्सचर बना लेते हो, थोड़ी सी बंधी हुई मिट्टी वाला, थोड़ा सा कंपोस्ट मिला के, हल्की सी कोकोपीट मिला के, और अपने गार्डन की पुरानी सूखी हुई पत्तियां मिला के, इस तरह का कुछ मिक्सचर सा बना लो, तो ये बहुत अच्छा चलता है प्लांट। और फर्टिलाइजर की बेस में मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होती होगी, क्योंकि फर्टिलाइजर देने से कई बार ये प्लांट खराब हो जाता है। और मिट्टी आपने, जैसा कि आप देख रहे हो ना, मुझे जैसे खींच खींच के निकालनी पड़ रही है, थोड़ी सी इसको बंधी हुई मिट्टी पसंद है ताकि कुछ देर इसमें पानी रुके। तो इस तरीके का आप अपना सोयल मीडियम बनाना देखभाल के, कि थोड़ी देर उसमें पानी भी रुके और मॉइस्चर लेवल एक बना रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये ऐसे इलाकों के प्लांट है जहाँ पे एक ह्यूमिड लेवल रहता है, ठंडा सा, ठंडक भरा सा,
तो अब आप कहोगे भी गर्मियों में हमारे यहाँ कैसे बचेगा ये, तो उसका भी इलाज है। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैं भी इनको छोटे प्लांटर में लगा रही हूँ, तो जैसी गर्मी आएंगी ना, घर में कोई बड़ा टब वगैरह होगा या कोई बड़ा गमला होगा, मैं उसके अंदर इसको रख दूंगी, या बड़े टब में पानी भर के, या उस पर कोई, मतलब पानी में इसको बिल्कुल भिगोना नहीं है, इसके आसपास का वातावरण बस ठंडक भरा रखना है, ये समझ लो वो आप जैसे मर्जी रखो, या तो किसी बड़े गमले के अंदर अपना छोटा पॉट रख दो, या फिर किसी टब में थोड़े से बर्फ के टुकड़े डाल के कोई बर्तन रख के फिर उसके ऊपर अपना पॉट रख देना, मतलब भिगोना भी नहीं है, एक आसपास का जो वातावरण है ना इसका वो ठंडक भरा होना चाहिए बस। बस एक बार गर्मी का सीजन निकल गया फिर तो ये एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा रहता रहता है। और इस टाइम दोस्तों इसको ग्रो करने का टाइम चल रहा है, इसका ग्रोइंग टाइम आप पूछोगे तो यही होता है मार्च का महीना, मार्च अप्रैल का, और फिर बरसात में, क्योंकि उस टाइम भी बहुत ह्यूमिडिटी होती है एयर में, और इस टाइम भी कितना परफेक्ट मौसम चल रहा है प्लांट्स उगाने के लिए, तो वो बस आप देख लो आपने अब उगाना है या बाद में उगाना है। अगर है तो फिर आप इसको इस टाइम रिपोर्ट भी कर सकते हो, या इसकी रूट्स को डिवाइड करके और नए प्लांटर बना सकते हो। और डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए, प्लांटर्स के लिए सॉरी, तो ये बहुत सुंदर प्लांट है, आप लगाओ इसको, बहुत अच्छा लगेगा एकदम। और सबसे बड़ी बात है ये ना बाहर की तरफ फैलता है। और अब आप पूछोगे इसका दूसरा मेथड कौन सा है डिवाइड करने का, अगर हम अपने प्लांट्स को ना छेड़ें तो भी बीच से तो उगता नहीं है ये। और इसके दोस्तों सकर्स निकलते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट्स में आपने देखे होंगे ना, एक शूट सी निकलती है और फिर आगे दो चार पत्ते होते हैं और जड़ भी निकल रही होती है, तो वही तरीका इसका भी है, शूट्स निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं इसमें से, तो वो आप अलग से कैंची से काट काट के उनको अलग से ग्रो कर सकते हो, या फिर इस तरह से रूट से थोड़ी सी भी, मतलब ये समझ लो इसको डिवाइड करते हुए रूट्स आ गई ना, फिर ये अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मैं भी चाह तो बीच से रही थी, लेकिन फिर भी ये साइड वाली आ गई हाथ में, क्योंकि मिट्टी भी आप देख रहे हो इसकी बंधी हुई सी है ज्यादा, फिर मुझे छेड़ना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा चलो इसके साथ रूट तो आई गई है तो इसको अलग लगा लेते हैं। और जो बड़े वाला हिस्सा बच गया है उसको थोड़ा, जैसे देख रहे हो आप ये जो ये प्लांटर है ये डीप है थोड़ा सा, है ना, वो थोड़ा सा कम गहराई का था उसमें हल्के वाला लगा लिया, और ये ज्यादा गहराई वाला है तो इसमें ये वाला लगा दिया। तो बस यही तरीका है दोस्तों इसका, बस आपने ह्यूमिडिटी इसके चारों तरफ बना के रखनी है, ब्राइट सनलाइट से इसको दूर रखना है। बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत अच्छे लगते हैं फर्न लगे हुए, तो जरूरी नहीं है आपको एक बोस्टन फर्न ही मिले, आपको कोई भी फर्न की वैरायटी मिल सकती है, तो लगाने का तरीका सबका यही है, इसी तरीके से डिवाइड होते हैं। एक दोस्तों फर्न की वैरायटी आती है वो पेड़ के ऊपर ही उगती है, वो पेड़ से ही मॉइस्चर लेती रहती है वो, और उसके ऊपर वो फर्न उगती है और नीचे उसकी ना ऐसी जड़ें लटकती हैं, वो भी बहुत सुंदर वैरायटी है, गूगल पे देखना एक बार सर्च करके आपको बड़ी अच्छी लगेगी वो वैरायटी भी। वो वैसे जंगलों मंगलों में उगती हैं ये, जहाँ ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नेचुरली उगती है वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन आमतौर पर जो फर्न होती है वो इसी तरीके की होती हैं, पत्तियों की शेप अलग होगी, बाहर की तरफ ना फुहारा सा निकलता है उसका, पत्तियों का। तो अभी ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा शौक में है, क्योंकि एक तो नर्सरी वाले भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, आते हैं प्लांट ऐसे ही रख देते हैं, तो जब हम घर पे आके लगाते हैं तो बड़े ध्यान से लगाते हैं, अभी देखना थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगी। तो जब मैं इसको लेके आई थी ना, मैंने भी इसको टब में पानी भर के रख दिया था, ताकि इसको अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले, कि अब तो मैं इसको कब लगाऊं, कब टाइम मिले। तो अब ये आपके साथ भी वीडियो शेयर हो गया लगाते हुए, और जितनी भी मुझे जानकारी थी मैंने आपको दे दी, और ये लग गई अपनी फर्न। और दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है ना, तो ये समझो किसी का भी आप वीडियो देखते हो, इस बारे में मैं अपने बारे में कभी भी नहीं कहूंगी, जितने भी प्लांट लवर्स हैं या जितने भी पौधों के बारे में आपको जानकारी देते हैं ना, मैं होगी कोई और हो गया, उनकी वीडियो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये समझ लो उनको अप्रिशिएट किया करो आप। क्योंकि जैसे छोटे बच्चों को हम ABCD सिखाते हैं ना, इन प्लांट्स की जानकारी हर आदमी तक पहुंचनी अब उतनी ही जरूरी हो गई है, क्योंकि अब इसके बगैर देखो काम चलना नहीं है। तो हर पौधे की जानकारी तो मैं नहीं कहूंगी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम किसी किसी प्लांट की जानकारी लेते जाएंगे, हमारी नॉलेज में इजाफा ही होगा। और बिल्कुल दोस्तों इस वक्त हरियाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन चीज़ों का ना थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, हर पौधे की जानकारी लेने के बाद ही आप
पौधा लगाया करो ताकि आपका प्लांट नहीं मरे। ये बिल्कुल दोस्तों छोटे बच्चों की तरह जीते जागते प्लांट होते हैं। किसी प्लांट का मरना बहुत गलत बात होती है आपके घर में आके अगर वो मर रहा है तो सबसे पहले लगाने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लिया करो। अब कोई देखो ये अननोन बंदा इसको अगर लगा देगा उसको क्या पता उसको कितनी ब्राइट सनलाइट चाहिए या इसको कितनी सनलाइट चाहिए, कैसा इसको एनवायरनमेंट चाहिए, अगर आपको पता ही नहीं है। आपको तो बस इतना पता होगा लिया गमला मट्टी भरी लगा दिया रख दिया है ना, तो इससे तो फिर आपका प्लांट खराब हो जाएगा। ऐसे ही कमेंट आते हैं आपके यूट्यूब पे भी व्हाट्सएप पे भी कि मैम ये खराब हो रहा है खराब हो रहा है। तो ऐसे कभी भी दोस्तों कोई प्लांट खराब नहीं होता अगर आपको उसकी नॉलेज है तो कृपया करके अपने पौधों को ना मरने दें। एक प्लांट लाएं आप उससे ही आप सोचें मैं इससे कितने सारे बना लूं। इसी तरह से दोस्तों एस्पेरिगस का प्लांट है ना, इसको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हो और ऐसे ही गमलों में आप फर्न को भी लगा सकते हो। इस तरह से डेकोरेटिव प्लांटर्स में आप लगाओगे ना फर्न को बहुत सुंदर लगती है, पीछे ऐसे लगती है जैसे इसकी टेल्स ही निकली हुई है। एक फोक्सटेल फर्न आती है ना, उसमें ऐसे होते हैं जैसे टेल्स ही बनी हुई है, वो भी बहुत सुंदर लगती है, उसका वीडियो मैं बनाऊंगी आपके साथ। तो फिलहाल तो ये बोस्टन फर्न थी दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है ये भी। तो इस तरह के गमलों में भी आप इसको उगा सकते हो जो ना ऊपर से जैसे ये समझ लो चौड़े से हो। मैंने तो चलो अभी ये थे फिलहाल गमले इसमें लगा के आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आप बहुत चौड़े से गमले में इसको लगाओगे ना ऊपर से जिसका मुंह फैला हुआ सा हो तो उसमें बहुत अच्छे चलेंगे ये। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, मेरे ही नहीं जिसके भी आप देखते हो। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके आप पूछ लिया करो है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कमेंट के जवाब देना, और कई बार देर हो जाती है कोई बात नहीं उसके लिए। तो बस दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।